हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्या हम इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हैं या इलेक्ट्रिकल फोरमैन हैं या आप सुपरवाइजर हैं या आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं? क्या आप भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं और बार बार फेल हो जा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। रिसेंटली मेरे दोस्त से पूछा गया जो सवाल इस वीडियो में बताए हैं, तो 5 ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो बताएंगे जो कि आपको इंटरव्यू में हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखें। अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं, आपसे जो सवाल पूछा गया, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, दूसरों को भी हेल्पफुल होगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल हम लोग जान लेते हैं। क्वेश्चन पहला है, MCCB क्या है, इसका मतलब क्या है और MCCB का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको यही बताना है, MCCB का फुल फॉर्म होता है मोल्डेड कैश सर्किट ब्रेकर। ठीक है दोस्त, यह ब्रेकर बड़े बड़े पैनलों में लगाया जाता है, इंडस्ट्री एरिया में, फैक्ट्रियों में ज़्यादा ये लगता है। ठीक है दोस्त, ऐसे आपको बताना है। ये इंसुलेटेड और अग्निरोधक ब्रेकर है, ओके। और ये जो है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, आपको ये बताना है। ज़्यादा ये शॉर्ट सर्किट जहाँ पर है और ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा ये यूज किया जाता है बड़े बड़े ये फैक्ट्रियों में। ये 125 एम्पियर से लेकर 800 एम्पियर तक का ये मिलता है मार्केट में। ठीक है दोस्त, अब हम लोग जान लेते हैं मेगर क्या है और मेगर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है दोस्त, दोस्तों इस पे मैंने एक वीडियो टोटल फुल बनाया हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके जरूर देखें, मेरे चैनल पे विजिट करें। एम मीटर और मेगर के बारे में मैंने बताया है। ठीक है दोस्त, डिटेल्स में पूरे बताएं, आप जाकर देखें। दोस्तों, आपको शॉर्टकट में जवाब देना, मेगर एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम इंसुलेशन को रेजिस्टेंस नापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे केबल हो गया, केबल को अगर हमको चेक करना है तो इससे हम चेक कर सकते हैं, मोटर को, वायरिंग को चेक कर सकते हैं इससे। ठीक है दोस्त, तो आपको इसे शॉर्टकट में जवाब देना है, अगला समझ जाएगा कि ये काम किया हुआ बंदा है। दोस्तों, आपसे अगला सवाल पूछा जाएगा, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और ये कहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, और ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों, आपको इससे पहले बता दूँ, रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक में यूज होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का ऐसा डिवाइस आ रहा है उसमें भी ये यूज हो रहा है आजकल। ठीक है दोस्त, तो आपको ये बताना है रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस जो एक ऐसा यंत्र है जिसे हम किसी सर्किट में हो रहे करंट फ्लो में रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आपको इतना पहले बोलना है, ठीक है, उसके बाद से बोलना है रेजिस्टेंस को हम ओम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम ओम से नापते हैं, ओम से प्रदर्शित करते हैं। ओके दोस्त, क्लियर हो गया, बिल्कुल शॉर्टकट में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अभी तो कोरोना के बाद ऑनलाइन हो गया है, तो सारे इंटरव्यू ऑनलाइन ही हो रहा है। ठीक है दोस्त, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है दोस्त, इसके बारे में हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो आपको आंसर देना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आपको बोलना है इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिको इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाह की दर को हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। ये क्लियर हो गया, आपको ऐसे बोलना है इलेक्ट्रिक करंट के इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से उत्पन्न होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज के प्रवाह की दर को हम इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। ओके दोस्त, ऐसे क्लियर हो गया, आपको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक क्या है तो आप ये बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। दोस्तों, उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर लें, बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं वीडियो बनाते रहता हूं। अगर हमारे पुराने व्यूअर हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। ओके दोस्त, तो यहाँ पे जानेंगे पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन में क्या अंतर है। ठीक है दोस्त, आपसे पूछा जाएगा पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन में क्या अंतर है, तो आपको बोलना है पैरेलल और सीरीज कनेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज एक समान होती है लेकिन करंट एक समान नहीं होती है, उसके विपरीत सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज एक समान नहीं होती है लेकिन करंट एक समान होती है। ठीक है दोस्त, ये आपको पैरेलल का और सीरीज कनेक्शन के बारे में ऐसे आपको बोलना है। और ये भी बताना है पैरेलल कनेक्शन में यदि कोई उपकरण खराब हो जाती है तो दूसरा उसके साथ लगे उपकरण चलती रहती है, बंद नहीं होती है। ठीक है, और उसके विपरीत सीरीज कनेक्शन में ऐसा नहीं है, ये उल्टा है, इसके साथ जो उपकरण लगी रहती है तो अगर ये कुछ एक उपकरण खराब होती है तो दूसरा उपकरण बंद हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ पूरी उपकरण बंद हो जाएगी, यही फर्क है पैरेलल और सीरीज कनेक्शन में। ठीक है दोस्त, आई थिंक ये वीडियो आपके हेल्पफुल हुआ होगा, अगर थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ होगा तो आप कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रिलेटेड वीडियो मैं इलेक्ट्रिकल से बनाते रहता हूँ और बिल्कुल प्रैक्टिकल वीडियो बनाता हूँ,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।